नमस्कार, आकांक्षा परीक्षा 2022 की मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 4 वीडियो है। इससे पूर्व मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक 3 वीडियो प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रश्न संख्या 121 से लेकर 150 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि आकांक्षा की परीक्षा में मेंटल एबिलिटी के तहत 40 प्रश्न होते हैं। 30 प्रश्न पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक में सॉल्व किया जा चुका है। यह चौथा और अंतिम वीडियो है जिसमें 10 प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 151 से लेकर 160 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 151। तो यहां है, एक ऑफिस में 21 कर्मचारी हैं, जिसमें 1/3 भाग पुरुष तथा शेष महिला है। वहां कितनी महिलाओं को लाया जाए कि कर्मचारियों में पुरुषों की संख्या 1/4 भाग हो जाए। तो अभी कितने पुरुष हैं 21 कर्मचारी में, 1/3 भाग पुरुष हैं, तो पुरुष की संख्या क्या है? तो पुरुष है 21 का 1/3 यानी 7, अभी 7 है। तो स्त्री कितनी हो गए? स्त्री हो गए 21 से 7 घटा देंगे तो 14 है, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या 1/4 करने के लिए कुल कितना होगा, कुल कर्मचारी की संख्या? कुल जो होगा वो 7 × 4 यानी 28 होगा। अगर हमें पुरुष की संख्या 104 चाहिए, 1/4 चाहिए, तो कुल संख्या हो जाएगा 28 होना चाहिए। इसमें 7 तो पुरुष है ही, बाकी स्त्री होंगे, तो और कितने, 14 स्त्री हैं, और कितने स्त्री हमें लगेंगे इसमें? तो ये 7 होगा, क्योंकि ये पहले से है 7 और 14 21, तो अभी और कर्मचारी जरूरत पड़ेगी 7, जो कि स्त्रियां चाहिए। तो हमें, हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 152। यहां है, एक पिता मां से 5 वर्ष बड़ा है तथा मां की उम्र अब बेटी की उम्र से 3 गुनी है। यदि बेटी की उम्र अभी 10 वर्ष है तो जिस समय बेटी पैदा हुई थी उस समय पिता की उम्र क्या थी? तो यह समीकरण वाला सवाल है। तो पिता की वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की जो वर्तमान उम्र है वो हम मान लेते हैं x। तो ये मां की उम्र कितनी होगी? पिता मां से 5 वर्ष बड़ा है, तो मां का ये x माइनस 5 हो जाएगा। और इसके बाद बेटी, अब यहां देखिए, मां की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुनी है, अर्थात बेटी की उम्र मां की 1/3 होगी, x घटाओ 5/3। और प्रश्न से ये कितना है, x माइनस 5/3 इक्वल टू बेटी की उम्र है 10। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 30, और ये x इक्वल टू 30 + 5 यानी 35। अर्थात पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 35 है, और बेटी की उम्र अभी 10 है। तो जिस समय बेटी पैदा हुई तो उस समय पिता की उम्र क्या होगी, इससे 10 घटा देंगे यानी 25। हाँ, 35 से 10 घटा दिए, 25 वर्ष उस समय होगी जिस समय बेटी पैदा हुई।
प्रश्न संख्या 153। देखिए यहां है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत वजन 43 किलोग्राम है। कक्षा में चार नए विद्यार्थियों का नामांकन होता है जिनकी वजन क्रमशः 42 किलोग्राम, 36.5 किलोग्राम, 39 किलोग्राम तथा 42.5 किलोग्राम है। अब उनकी औसत वजन 42.5 किलोग्राम है। प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखिए ये औसत वाला प्रश्न है, औसत चैप्टर से है। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, इसे हम मान लेंगे विद्यार्थियों की संख्या। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या ये है, हम मान लिए x। तो कुल वजन कितना होगा? कुल वजन औसत गुणे विद्यार्थियों की संख्या, औसत है 43 और ये x। अब क्या हो रहा है कि इसमें चार और विद्यार्थी आ जा रहे हैं जिनका वजन ये है 42, 36.5, 39 और 42.5। तो अब जो नया कुल वजन होगा, नया कुल वजन तो वो हो जाएगा 43x जोड़ 42 जोड़ 36.5 जोड़ 39 जोड़ 42.5। तो ये हो जा रहा है 43x प्लस 160। ठीक है, अब क्या है कि औसत वजन 42.5 किलोग्राम है, नया औसत। तो अब देखिए ये कुल वजन अभी नया वाला हो गया 43x प्लस 160, और जो विद्यार्थियों की जो नई संख्या है वो हो गया x प्लस 4। पहले x था, 4 और आ गए, लेकिन प्रश्न से औसत वजन कितना है, ये औसत का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, कुल वजन बटे बाई विद्यार्थियों की संख्या। तो ये है 42.5 जो औसत है। तो अब इसको तिरछा गुना करके हम सॉल्व करेंगे, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 43x प्लस 160 बराबर 42.5x, ये तिरछा गुना होगा, जोड़ 42.5 गुना 4। तो ये है 43x प्लस 160 बराबर ये हो जाएगा 42.5x प्लस 170। तो इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर, तो यहां पर लिख रहे हैं ये 43x घटाओ 42.5x बराबर 170 घटाओ 160। तो ये हो जाएगा 0.5x, 0.5x बराबर 10, और 0.5x बराबर 10, और 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 एक्स बराबर 10, तो x बराबर 20। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, पहले 20 थी, प्रश्न संख्या 154। सरोज 4 रुपया प्रति लीटर की दर से 20 लीटर दूध खरीदता है तथा उसमें पानी मिलाकर 22 लीटर कर देता है, उसे 10% लाभ कमाने के लिए दूध को बेचना होगा। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, तो क्रय मूल्य ये 4 गुना 20 यानी 80 रुपया है क्रय मूल्य। तो ये 20 लीटर का है,
तो 22 लीटर का भी तो वही होगा, क्योंकि तो पानी मिलाया है, तो 22 लीटर का क्रय मूल्य भी 80 रुपया ही होगा। अब विक्रय मूल्य तो 80 रुपया में उसको 10% लाभ चाहिए, यानी 10% मतलब 8 रुपया। तो उसका अब जो विक्रय मूल्य होगा 80 जोड़ 8 यानी 88 रुपया। ये कितने का विक्रय मूल्य है? 20 लीटर का, सॉरी 22 लीटर का। ये 22 लीटर का विक्रय मूल्य है। तो 1 लीटर का विक्रय मूल्य क्या हो, यानी प्रति लीटर 1 लीटर का विक्रय मूल्य ये 88/22 यानी 4 रुपया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 155। दो नल ए तथा बी अकेले अकेले अलग अलग सॉरी 24 मिनट तथा 40 मिनट में एक टैंक को भरते हैं तथा अन्य पाइप सी प्रति मिनट 30 लीटर जल छोड़ता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 1 घंटा में भर जाता है। टैंक की क्षमता है, तो यानी टैंक का जो कैपेसिटी है वो बताना है। ए 24 मिनट में भरता है, बी 40 मिनट में पूरा टैंक भरता है, और सी हम मान लेते हैं कि एक्स मिनट में पूरे टैंक को खाली करता है, ठीक है ना? तो पूरा टैंक 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में पूरा टैंक कितना भरेगा? तो ये 1/24 जोड़ 1/40 जोड़ सॉरी ये तो खाली कर रहा है ना सी, तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा, -1/x। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120x, और ये हो जाएगा यहां पर 5x+3x-120, अर्थात ये 8x-120/120x। ये इतना भाग टैंक भरता है 1 मिनट में, तो पूरा टैंक कितने देर में भरेगा? इसे उलट देंगे, 120/8x-120, ये पूरा टैंक भर रहा है। लेकिन पूरा टैंक भरने में कितना समय लग रहा है, यहां जो दिया है 1 घंटा यानी 60 मिनट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों ओर हम 60 से भाग दे देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, 1/60 और यहां भी 1/60। तो ये 60 से 120 कट जाएगा दो बार में, और ये 60 एका 60, तो ये हो जाएगा 2x/8x प्लस सॉरी माइनस है ये। -120 = 1, यानी 2x = 8x-120। तो फिर दो से भाग दे देते हैं दोनों ओर, तो ये हो जाएगा x = 4x-60। तो अगर ये 4x को इधर लाएंगे तो ये x-3x होगा, और ये हो जाएगा -160, सॉरी ये 160 नहीं है, ये 60 है, -3x नहीं, -4x, ये 4x भी इधर लाए हैं, तो ये हो गया -3x = -60 यानी x = 20, यानी 20 मिनट में सी जो है पूरा खाली करता है और 1 मिनट में 30 लीटर छोड़ता है। तो पूरा टैंक का कैपेसिटी क्या हो गया, 20 गुना 30 यानी 600 लीटर। क्वेश्चन नंबर 156। आने वाला परसों हमारा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन होली है,
यदि बीता हुआ कल रविवार था तो होली के बाद का दिन होगा। देखिए, ये भी बड़ा ट्रिकी सवाल है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं, बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। क्या करते हैं हम तारीख यहां लिख देते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, चलिए 7 तक ही लिखते हैं। तो आज 1 तारीख है, परसों कौन दिन होगा, ये 3 तारीख होगा, मान लिया। तो परसों ही मेरा बर्थडे है, तो ये बर्थडे हम लेने हैं। अब लिख रहा है कि अगले सप्ताह उसी दिन होली है, तो अगले सप्ताह उसी दिन यानी कितने तारीख को, 10 तारीख को, तो यहां पर ये होली है 10 तारीख को, है ना। थोड़ा सा रंग चेंज करके देखते हैं, यहां पर दिखने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, अगले सप्ताह उसी दिन यानी 10 तारीख को होली है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, बीता हुआ कल रविवार था, बीता हुआ आज 1 तारीख है, तो बीता हुआ कल यानी ये रविवार है, संडे, तो होली के बाद का दिन होगा। चलिए अब पता करते हैं, कल था संडे तो आज मंडे, 2 तारीख ट्यूसडे, 3 तारीख वेंसडे, तो ये होली का दिन भी तो वेंसडे होगा। तो होली के दूसरा दिन कौन सा होगा, 11 तारीख जो होगा वो होगा थर्सडे, यानी ये बृहस्पतिवार। 157 क्वेश्चन नंबर, ये समय और काम से है ये प्रश्न। कोई कार्य 27 लोगों द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाता है, यदि सभी बराबर काम करते हैं परंतु 31 दिनों के बाद 9 लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, गणना करें कि शेष लोगों द्वारा बचे हुए कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। मान लीजिए कि वे काम उसी गति से करते हैं, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न समय और काम चैप्टर से है, इसे मेंटल एबिलिटी में दिया गया है, लेकिन यह गणित का प्रश्न है। 27 लोग 45 दिनों में, 45 दिन में एक काम करता है ना, तो ये 27 लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/45। 27 लोग कितने दिन एक साथ काम कर रहे हैं, 31 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 31 दिन में ये काम करेंगे 1/45 और ये गुना 31, यानी 31/45 काम कर देंगे ये। तो शेष काम अब कितना बचा, शेष काम बराबर 1 घटाओ 31/45 यानी 14/45। तो ये 14/45 काम को अब बाकी लोग जो बचे हैं वो करेंगे। तो 27 लोग थे, 9 चले गए, तो अब 18 लोगों को ये काम करना है, तो हमें बताना है कि कितना दिन लगेगा। चलिए अब आगे लिखते हैं, तो एक काम 27 लोग, एक काम 27 लोग कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में करते हैं। एक काम यहां लिखते हैं, वहां दिख नहीं रहा है, एक काम 27 लोग 45 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो 14/45 काम 27 लोग कितने दिनों में करेंगे, 45 × 14/45 दिन में। अब 14/45 काम एक लोग, अगर एक ही व्यक्ति हो तो कितना दिन में लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा,
तो ज्यादा दिन के लिए हम गुना करते हैं, ये 27, ये एक एक नियम से इसे हल कर रहे हैं। मैं फिर बता दूं कि चूंकि मैं यहां समझाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। आप जब परीक्षा में हल करेंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने से इसका शॉर्टकट तैयार कर लीजिएगा। ये 18 लोग हैं, 9 लोग तो चले गए हैं, अब 18 ही लोग हैं जिनको इतना काम करना है। तो ये यहाँ एक लोग था तो इतना था, तो जब 18 होगा तो और कम हो जाएगा दिन। तो जब कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 45 गुने यहाँ पर नीचे में 18। अब इस काटते हैं 45, 45 कट गया, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, ये हो गया तो 2 7 14 यानी 21। तो अब जो बाकी काम है उसे 18 लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे, 21 दिन में पूरा करेंगे। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 158 यहां है, नमन एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर 10 किलोमीटर पूरब चलता है तथा बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर और चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचता है। अब वह प्रारंभ के बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी बताया है कि जब भी ये डायरेक्शन वाला हो तो सबसे पहले आप डायरेक्शन वाला एरो बना लें। तो ये एरो बना रहे हैं यहां पर, देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। चलिए, अब जितना बताया गया है जो प्रश्न में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं, और दिशा वाले प्रश्नों में डायग्राम बना के ही हल किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे ही आप इसको पढ़कर इसका आंसर प्राप्त करना चाहेंगे, बार बार भी पढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, और जब डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, तो ये वाला बिंदु ए हम मान ले रहे हैं, ये बिंदु ए है। अब ये किधर जाता है, 10 किलोमीटर पूरब जाता है, पूरब मतलब इस तरफ यहां तक गया, 10 किलोमीटर पूरब किया, 10 किलोमीटर। अब इस साइड में फेस है ना, पूरब की ओर फेस है, बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो इसका बायां कैसे होगा, आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, तो बायां इधर होगा, ये बायां, तो बायां कितना गया 5 किलोमीटर। फिर दायां मुड़ता है 5 किलोमीटर, दायां फिर इधर होगा, फिर यहां पर आ गया 5 किलोमीटर यहां पर है। अब फिर दायां मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, अब यहां से जब दायां मुड़ेगा तो इधर आएगा और ये आ रहा है 15 किलोमीटर यहां पर आ गया। अंत में वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, अब यहां से दाया इस साइड में होगा और इस साइड वो 15 किलोमीटर आता है, ये 15 किलोमीटर और ये बी बिंदु है। अब वह प्रारंभ के बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? तो पहले तो आप यहां देखिए 10 किलोमीटर और ये यहां से फिर 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हो गया और इस बिंदु से ये 15 किलोमीटर है, अर्थात बी जो बिंदु होगा ए से बिल्कुल नीचे होगा, बिल्कुल सीध में होगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा चीज ये देख रहे हैं कि ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है और यहां से ये 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये और यहां से ये 5 किलोमीटर है, तो ये यहां से यहां कितना हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया और ये 15 आया और यहां से ये कट गया, ये कितना 5 किलोमीटर, तो ये कितना बच गया, यहां से यहां की दूरी 10 किलोमीटर, ये यहां से यहां की 10 किलोमीटर,
और ये मैंने कहा कि ये बिल्कुल ये पैरेलल लाइन है, देख लीजिए ये पैरेलल है ना। तो अब यहां से भी देखिए, ये यहां से ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो यहां से यहां की दूरी भी 10 की, चूंकि ये पैरेलल लाइन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जो दिशा से हमने डायग्राम बनाया है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 10 किलोमीटर होगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन 159। एक कार चालक 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ाकर 300 किलोमीटर एक घंटा पहले पहुंचता है। कार की वास्तविक गति थी। देखिए, अगर इस प्रश्न को हम हल करना चाहें तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसमें द्विघात समीकरण भी आएगा, तो बेहतर होगा कि कंपटीशन में जब एमसीक्यू है तो हम इसके ऑप्शन लेके चेक कर लें, वो ज्यादा आसान होगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा अगर पहले था तो उस समय उसका समय था 300/50 यानी 6 घंटा, है ना, ये 6 घंटा था, 6 घंटा, और 15 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 65 किलोमीटर हो गया, तो अब इसका होना चाहिए समय 300/65, लेकिन हम देख रहे हैं ये पूरा पूरा नहीं कटेगा और ये दशमलव में आएगा, लेकिन ये तो हमारा अंतर, इन दोनों का अंतर चाहिए 1 घंटा, तो ये नहीं आएगा, तो ये नहीं है। दूसरा देख रहे हैं 75 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर के हिसाब से तो यहां पर ये 4 घंटा लग रहा था, और नया इसका जो गति होगा 15 किलोमीटर बढ़ाने के बाद ये 90 हो जाएगा, तो नया समय 300/90, तो ये 9 से पूरा पूरा नहीं घट रहा है, तो ये भी दशमलव में आएगा, लेकिन हमारा अंतर तो 1 घंटा आना चाहिए, चलिए तो ये भी नहीं है। तीसरा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये यहीं पर हम देख रहे हैं 300/45 करते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव में आ जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको देखते हैं 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर की गति से अगर चलेगा तो ये 5 घंटा लगाएगा, ये वास्तविक जो था, अब इसका बढ़ा देते हैं 15 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर हो गया, तो 300/75, तो ये आता है 4 घंटा, और हमें बताया गया है कि 1 घंटा इसका अंतर होगा, तो ये 5 घंटा, ये 4 घंटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 160। एक व्यक्ति मरने के पहले कुल 23,000 रुपया अपनी पत्नी, 5 लड़के तथा 4 लड़कियों में बांट देता है। वह बताता है कि प्रत्येक लड़का लड़की से 3 गुना अधिक रुपया प्राप्त करेगा तथा प्रत्येक लड़की उसकी माँ से 2 गुना अधिक रुपये प्राप्त करेगी। पत्नी का हिस्सा कितना है? इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे भी हम ऑप्शन लेके ही चेक करते हैं। पत्नी का हिस्सा यहां दिया हुआ है 1,000 रुपया, तो पत्नी का हिस्सा अगर 1,000 है तो यहां दिया है प्रत्येक लड़की उसकी मां से दुगना मिलती है, मिलता है, तो लड़की का हिस्सा हो जाएगा 2,000 दुगना, और लड़का का हिस्सा कहा गया है कि लड़का लड़की से 3 गुना मिलता है, तो यहां 2,000 लड़की का है तो इसका 3 गुना यानी 6,000 मिलेगा। अब देखिए कुल पत्नी को कितना मिलेगा, 1,000, सभी लड़कियां 4 लड़की हैं तो 2,000 के हिसाब से इनको मिलेगा लड़कियों को 8,000, लड़के 5 हैं तो 6,000 की दर से इन्हें मिलेगा 30,000, तो अरे इसे जोड़ते हैं तो ये ज्यादा हो जा रहा है काफी, ये 39,000 हो जा रहा है,
जबकि रुपए कितने थे, 23,000 ही थे। तो ये 1,000 रुपया पत्नी को नहीं मिलेगा। बाकी ऑप्शन देख रहे हैं 1,500, 1,200, तो ये तो और ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आशा है कि जो प्रश्न का हल है, मैंने प्रस्तुत किया है, वो आपको पसंद आया होगा, आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। यदि आप इसे संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे जितने भी मेंटल एबिलिटी के प्रश्न के वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये प्रश्न सिर्फ उनके लिए उपयोगी है जो आकांक्षा देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये उनके लिए भी उपयोगी है जो NTSC की परीक्षा देने वाले हैं या कोई अन्य ऐसी परीक्षा देने वाले हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होते हैं। धन्यवाद।